नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। हम पुलिस की गाड़ी में थे, लगा था वो हमें बचा लेंगे। मैथिल लड़कों की भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया, हमें उतारकर इधर उधर छूने लगे। उन्होंने कहा जिंदा रहना है तो कपड़े उतारो। हमने मदद के लिए पुलिस वालों की तरफ देखा, उन्होंने मुंह फेर लिया, फिर हमने कपड़े उतार दिए। ये कहना है किस साल की पीड़िता का, वो ट्रोमा में है, फोन पर नहीं आती, लेकिन उसकी साथी पूरी कहानी बताती है। ये उस लड़की की कहानी है जिसे आपने 19 जुलाई को मणिपुर से वायरल हुए वीडियो में देखा होगा। उस वीडियो में एक महिला और थी, उम्र 42 साल, उनके भी कपड़े उतरवाए गए। वे बताती है उन्होंने कहा अगर कपड़े नहीं उतारोगी तो मरोगी, खुद को बचाने के लिए मैंने कपड़े उतार दिए। वो मुझे पीटने लगे, मेरे शरीर को छूते रहे, मेरे साथ रेप नहीं हुआ था। लुंगथांग के मुताबिक सबसे पहले 26 साल के शख्स को मार दिया गया, फिर महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए कहा। किस साल की पीड़िता से छेड़छाड़ की गई, उसके 19 साल के भाई को बचाने की कोशिश की, भीड़ ने उस लड़के को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद तीनों महिलाओं के कपड़े उतरवाए गए और 21 साल की पीड़िता से गैंगरेप भी किया गया। गांव के लोग बोले मैतेलीपुन के लोगों ने हमला किया। वीडियो की पड़ताल की तो पता चला कि ये वारदात मणिपुर के थोबल जिले के नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन से चंद किलोमीटर दूर हुई। पीड़ित के रिश्तेदार ने बताया मैतेई भीड़ बदला लेना चाहती थी। वे लोग कह रहे थे कि क्योंकि लोगों ने हमारी महिलाओं से रेप किया है, अब तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। वे आगे बताते हैं 4 मई को सुबह के करीब 11 बजे का वक्त था, सैकड़ों लड़कों की भीड़ हमारे गांव में घुस आई। सब जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग गए थे। इन 5 लोगों ने पुलिस से मदद मांगी थी, फिर इन्हें मैतेई भीड़ ने घेर लिया। हमारी मानवता कहाँ जा रही है? देश आगे बढ़ तो रहा है पर हमारे देश की महिलाएं आज भी आ जाती नहीं है। जब सुरक्षा करने वाले ही मुंह फेर लेते हैं तो क्या सच में देश बढ़ रहा है? ये एक सवाल है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।